ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल वो राय नैना बनाए बतियाँ किताबे हिजरा नदार में जा ना लेहू काहे लगाए छतियाँ शबाने हिजरा दराज चूँ जुल्फ रोजे वसलत चूँ उम्रे कोता सखी पिया को जो मैं ना देखूँ सखी पिया को जो मैं ना देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियां। हजरत मियां मीर मोहम्मद मोइनुल इस्लाम फारूकी कादरी सिंधी लाहौरी अले रहमा शाह मीर मियां मीर बाला पीर के नामों से भी आपको पुकारा गया। आप हजरत खिदर सेवस्तानी कादरी अले रहमा के मुरीद थे। आपका सिलसिला नसब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों से जाकर मिलता है। शहजादा मोहम्मद दारा शको आपके मुरीद थे। अपनी तस्नीफ सकीनातुल औलिया में रकम तराज हैं कि आपकी विलादत 938 हिजरी को हुई यानी 1531 ईस्वी, लेकिन मशहूर तारीख पैदाइश 1550 ईस्वी है और आपके वसाल का साल 1635 ईस्वी बताया जाता है। आपके वालिदे बुजुर्गवार काजी दित्ता अले रहमा और वालिदा बीबी फातिमा बिनते कावन मुत्तकी और परहेजगार शख्सियात थे। 7 साल की उम्र में आपने यतीमी का गम सहा। आप अले रहमा की वालिदा वलियाए कामिला थी। इब्तदाई तालीम उन्हीं से हासिल की। वालिदा की हदायत पर तलाशे मुर्शद में निकले। सेवस्तान के नवाह में पहाड़ी पर हजरत खिजर सेवस्तानी कादरी की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने फौरन आपको बैत कर लिया। आप मुर्शद के वसाल तक उनकी खिदमत में रहे। मुर्शद के वसाल के बाद वालिदा की इजाजत से आप लाहौर तशरीफ ले आए। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी। आप लाहौर में अलामा सादुल्ला अले रहमा और उस वक्त के जैयद आलिम हजरत नेमतुल्ला अले रहमा की खिदमत में हसूले इलम के लिए रहे। यका यक अज दिल दो चश्मे जादू बसद फरेबम बबुर्दे तिस्की किसे पड़ी है जो जा सनावे प्यारे पी को हमारी बतियां चू शम्माए सोजा चू जर्राए हैरा जा महरे आ मां बगुश्तम आखिर न नींद नैना न अंग चैना न आप आवे न भेजे पतियां। आपकी शख्सियत के रूहानी पहलुओं के चर्चे इस दौरान लाहौर में फैल गए। जिन मजामीन के मुताले के लिए सालों की रियाजत दरकार थी चंद माह में मुकम्मल कर ली। आपका शोहरा जब चार सू फैल गया तो आपकी तबीयत काल से हाल की तरफ मायल होना शुरू हो गई। आप खलवत में ज्यादा वक्त गुजारने लगे। रवायत है कि आप लाहौर के 31 मुकामात पर आलमे तन्हाई में मसरूफ़े आबादत रहे जिनमें 26 बागात थे। आप लाहौर से सिरहिंद तशरीफ ले गए। वहां शदीद अलील हो गए। रूहानी हुक्म पर आप लाहौर तशरीफ ले आए। आप अपने वसाल तक लाहौर में ही रहे। शाहजहां जैसे वक्त के बादशाह आपके दरे दौलत के बाहर गदागरों की तरह नजरे इल्तफात के मुंतजिर रहे। बहक्के रोजे वसाल दिलबर के दाद मारा गरीब खुसरो सपेत मन के वो राय रखूं
जो जाके पाओ पिया की खतियां। जिस शख्स की जान में नूर होगा, इस मसनवी का बकिया हिस्सा उसके दिल में खुद ब खुद उतर जाएगा। आपका रब्बे करीम पर तवक्कल अहले सलूक के लिए मशले राह है। आप बा अमल बा शरा जिंदगी गुजारने की तलकीन करते, तजरीदो तफरीद को तहजीब नफ्स के लिए अहम तरीन वस्फ गर्दानते। आप कम सोते, कम बोलते और कम खाते, और यही सबक आप अपने मुरीद होने की ख्वाहिश रखने वालों को देते। आप फरमाते, कायनात से बेगाना होकर यगाना होना, एक दरवाजा एक दिल एक मकान, इसमें एक ही समा सकता है। चाहते हो दुनिया भी रहे और अल्लाह भी, तो ऐसा मुमकिन नहीं। आपने बहुत कम लोगों को मुरीद किया। शहजादा मोहम्मद दारा शकोह को 3 साल के बाद बैत किया। आप फरमाते, शरीयत ही तरीकत का सबब बनती है और तरीकत बुराई से नफरत सिखाती है, तभी हकीकत तक पहुंचा जा सकता है। आप करामत की बजाय इस्तकामत को आला मुकाम फरमाते। अल्लाह जो सादिर फरमा दे वही करामत है। आप समा सुन लेते लेकिन वकार के मुनाफी हरकत को नापसंद फरमाते। जज़ब का हुक्म देते, हजूरिये कलब के बगैर नमाज को नामुकम्मल तसव्वर करते। फरमाते, अगर खलवत में हजूरी हासिल हो जाए तो रजालुल गैब भी नमाज में शामिल हो जाते हैं। रवायत है कि सिख मजहब के गुरु अर्जन देव ने आपको अमृतसर में गोल्डन टेंपल गुरुद्वारा हरमिंदर साहब की बुनियाद रखने की दरख्वास्त की। 1588 ईस्वी में आपने गोल्डन टेंपल की बुनियाद रखी, लेकिन मौजूदा दौर के सिख मुहक्किकीन पुराने मौरखीन को झुठलाते नजर आते हैं। इसके बावजूद बहुत से सिख यात्री जब बैरून मुल्क से आते हैं तो गुरु अर्जन देव की मियां मीर सरकार से निस्बत की मानता को दुरुस्त समझते हुए उनके रोजे पर हाजिरी देते हैं। आपके वसाल के बाद शहजादा मोहम्मद दारा शकोह ने आपका मजार तामीर कराया। शहजादा मोहम्मद दारा शकोह ने अपनी अहलिया नादरा बेगम को वफात के बाद हजरत मियां मीर सरकार के आस्ताने के साथ मुल्हिका बाग में दफनाया। मियां मीर सरकार के रोजा मुबारक के इहाते में उनसे निस्बत रखने वाले औलिया दरवेश और मुरीदैन की भी कब्रें हैं। मियां मीर सरकार फना फिल्ला बुजुर्ग गोशा नशीन और शोहरत से बेजार थे। आप सरापाए हुस्ने इखलाक, कोई खिदमत में हाजिर होता तो उसे ऐसे लगता जैसे उस पर जो शफकत और इनायत की गई है वैसे किसी और को नहीं मिली होगी। आपके खुल्फा में नेमतुल्ला सरहिंदी, मियां नथा दीवान, मुस्तफ़ा सरहिंदी, मुल्ला हामिद, मुल्ला रूही, मुल्ला ख्वाजा साले कश्मीरी, मुल्ला बदख्शी, काजी ईसा, शेख इस्माइल, शेख अबुल खैर रहमतुल्ला अलैहुम शामिल हैं। आप मुजर्रद थे। शहजादा मोहम्मद दारा शकोह ने आपके विसाल के बाद आपकी हमशीरा बीबी जान जमाल खातून के साहबजादे मोहम्मद शरीफ कादरी अले रहमा को सजादा नशीन मुकरर किया और आपके आस्ताने के सारे इंतजामात उनके सुपुर्द कर दिए। आपके मजारे मुबारक में दाखले के लिए मखसूस मरकजी गेट से अंदर आते हुए बाएं तरफ कबूतरों को दाना डालने की जगह मखसूस है। मजारे मुबारक में 30 साल से जारोब कशी की खिदमत सर अंजाम देने वाले खादिम के मुताबिक मियां मीर सरकार अले रहमा के आस्ताने के कबूतर भी रम्स आशना हैं।
यहाँ हाजिर होने वाले जायरीन की ये रूहानी मुकाम को पहचानते हैं। अगर कुछ देर बगौर जायजा लिया जाए तो हर जायर के दाखिल होने का इस्तकबाल ये कबूतर मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। मियां मोहम्मद मीर सरकार के रोजे के साथ सुर्ख पत्थरों की शानदार तारीखी मस्जिद भी है और दरबार के इहाते में लाइब्रेरी भी बनाई गई है। मियां मीर सरकार के रोजे पर चिरागी और अगरबत्ती सुलगाने के लिए भी जगह को मखसूस किया गया है। बाकी ई गुफ्ता आयत बेजुबान, दरे दिल हर कस के दारत नूर जान, जाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वा करे कोई, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा, ऐसे इसम सिखा दे सानू, भरे भरे हो जाइए गहरे इलम अता कर सानू, बहुत खरे हो जाइए। इश्क वो सातवीं हिस है कि जिसे अता हो उसे रंग सुनाई दे, उसे खुशबू दिखाई दे।